सो हेलो गाइस, कैसे सब लोग? आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल यानी एम सी गेमर्स में। और भाई कैसे हो? तो आज हम खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट और आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 यूजफुल हैक्स जो आपके माइनक्राफ्ट सर्वाइवर में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हैक नंबर 1। ओके, तो गाइस ये हमारा पहला हैक जिसमें आप देख सकते हो मैंने एक तरफ रेड ब्लॉक रखा हो, दूसरी तरफ हनी ब्लॉक। और अगर आप बॉर्डर को हटाओगे तो आप देख सकते हो कि जो हनी ब्लॉक है वो डर्ट ब्लॉक से 5% छोटा होता है, और सिर्फ डर्ट नहीं कोई भी ब्लॉक से 5% छोटा होता है। और मैं इसके बीच में जो गैप है उसे मैं एरो भी मार के दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो आर पार जा रहा है एरो, यानी कि ये ब्लॉक 5% हर ब्लॉक से छोटा होता है। और ये ब्लॉक आप एज अ पीवीपी में यूज़ कर सकते हो एरो मारने के लिए, बट हाँ वो बात अलग होगी अगर बंदे ने रस करके मार दिया, और अगर नेदरराइट आर्मर उसके पास हुआ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हैक नंबर 2। ओके, तो गाइस ये वाला जो हैक है वो आपके घर में बहुत काम आएगा अगर आपका घर स्लैब से बना है नीचे वाली ग्राउंड फ्लोर में। तो देख सकते हो मैंने एक स्लैब के ऊपर TNT रखा फोड़ा तो वो इतना डैमेज हुआ। और अगर मैं दूसरी तरफ सिंपल TNT लगाओ बिना कोई स्लैब के तो आप उसका डैमेज देख सकते हो कितना होता है। फट जा। ओके, तो आप देख सकते हो इतना डैमेज होता है, तो 50% रिड्यूस कर देता है स्लैब डैमेज को। ओके, हैक नंबर 3। ओके, तो गाइस ये है अपना थर्ड हैक, और इसमें आप देख सकते हो मैंने एक स्लैब का प्लेटफॉर्म बनाया हूँ और इसके नीचे पानी डाला हूँ। इससे क्या होगा, अगर मैं TNT ऐसे लगा के फोड़ दूँ तो आप देख सकते हो ज़मीन को एक भी वो नहीं डैमेज नहीं पड़ा, क्योंकि जो वाटर रहता है वो TNT का डैमेज रिड्यूस कर देता है, जिसके कारण एक भी ब्लॉक को डैमेज नहीं होगा। तो आप इसको अपने घर के ग्राउंड फ्लोर में यूज़ कर सकते हो फॉर सेफ्टी अगर कोई क्रीपर आ जाता है फूटने के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ को, हैक नंबर 4। तो गाइस ये है कि ट्रैवलिंग के लिए अगर आप कभी ट्रैवल करते हो तो आपको उसके लिए चाहिए एक लामा, एंड उसके ऊपर फिर आपको बैठना, उसको टेम करना है। भले ही आपके कंट्रोल में नहीं आएगा चलते, आप लीडर से उसको ले जा सकते हो और उसको आप कोई भी कारपेट के रंग से कस्टमाइज़ कर सकते हो। एंड फिर आपको उतरना है, एंड चेस्ट आपके हाथ में अटैच चेस्ट का ऑप्शन आएगा उसमें दबाना है। फिर राइट में जब दबाना है उसके बाद फिर अगर आप इन्वेंट्री खोलोगे तो आपको 6 स्टैक तक की जगह मिल सकती है, और 6 स्टैक से ज़्यादा भी बढ़ जाता है कभी कभार। मेरे इसमें 6 स्टैक ही दिखा रहा है, तो आप ऑलमोस्ट 15 स्टैक इसमें कैरी करके ले जा सकते हो। और टेंशन मत लो, अपन इसको ये पानी के ऊपर भी चलता है, हॉर्स और डोंकी जैसा नहीं, जो ज़मीन के पानी के ऊपर नहीं चलता। आप इसको लीड के ऊपर से भी ले जा सकते हो, तो ये बहुत मस्त है अगर आप कभी ट्रैवल करते हो तो ये आपके बहुत काम आएगा अगर आपको ज़रूरत है एक्स्ट्रा चीज़ें रखने की। तो चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ, हैक नंबर 5। तो गाइस कभी कभार यानी हमेशा ही अपन लोग कोल यूज़ करते हैं ना कि कोल ब्लॉक। एक कोल 25 से 20 ब्लॉक स्मेल्ट कर सकता है, और एक कोल का ब्लॉक 90 से 95 तक ब्लॉक को स्मेल्ट करता है। तो आप कोल की जगह कोल का ब्लॉक यूज़ कर सकते हो कोई भी स्मेल्टिंग आइटम के लिए, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। और स्मोकर के लिए भी ये ऐसा ही है, बस कभी कभार अपने पास कोल नहीं रहता तो अपन लावा लेके आ सकते हैं कहीं से भी और लावा डाल सकते हैं। लावा कोल के मुताबिक 10% से 20% ज़्यादा स्मेल्ट करता है, तो ये भी बहुत काम का है कि आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई करना अपने वर्ल्ड में। तो चलो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।